हनुमान जी पूरे का पूरा पर्वत उठा के ले आए थे लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए, संजीवनी के लिए हिमालय से। तो हिमालय ने कहा कि एक संजीवनी के लिए पूरे का पूरा पहाड़ उठा के ले आए, तब भगवान राम ने वरदान दिया कि वो एक कृष्ण अवतार में पूरे का पूरा बचपन उनके साथ बिताएंगे, वहीं पर बड़े होंगे पालेंगे। कृष्ण अवतार में इंद्र जी ने काफ़ी वर्षा बरसाई नाराज होकर, और भगवान कृष्ण ने ब्रज में स्थित गोवर्धन पर्वत को अपनी चीची उंगली पर उठा लिया। गोवर्धन पर्वत वही है जो हिमालय का टुकड़ा लाया गया था। उसके बाद में से पहले वेदों में काल में इंद्र जी की पूजा होती थी, लेकिन धीरे धीरे इसी वजह से उनकी पूजा होनी कम हो गई। दूसरी कथा है, पुलस्त्य ऋषि थे, उनको द्रोणाचार्य पर्वत की खूबसूरती बहुत पसंद आई और वो उन्हें उठा के ले आए, लेकिन गोवर्धन जी ने कहा कि आप मुझे जहाँ रखोगे मैं वहीं पर स्थित हो जाऊँगा। तो यहीं पर आके वो स्थित हो गए, क्योंकि पुलस्त्य ऋषि साधना के लिए यहीं पर रुके थे। लेकिन उसके बाद गोवर्धन जी नहीं हिले वहाँ से, तो पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दिया गोवर्धन जी को कि आप धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि आज भी गोवर्धन पर्वत मुट्ठी मुट्ठी घटता जा रहा है। गोवर्धन, ये देखिए, प्रसाद चढ़ाया था और मटकी अपने आप फूट गई और प्रसाद उनका ग्रहण हो गया। गोवर्धन पर्वत 10 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि आधा राजस्थान में आता है और आधा यूपी में आता है। मथुरा से 22 किलोमीटर दूर है, और उसी के बाद से इंद्र की पूजा होनी बंद हो गई। ये गोवर्धन पर्वत की पूरी परिक्रमा भी होती है, जिसे गोवर्धन परिक्रमा कहते हैं।